फाइल एनोविडा से ये सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं ये नम्स में अपने क्वेश्चन में पूछा था फाइलम एनोविडा क्या होते हैं तो आंसर देना था की ये सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं ट्रोकोपोलवा इज प्रोड्यूस डाइकल ऑफ एनोविडा ये इसकी कैक्टरिस्टिक है कि टोकोपोलार्वा एनविडा की कैरेक्टरिस्टिक है कि इस इसकी लाइफ में लार्वा प्रोड्यूस होता है देन बात कर लेते हैं ये ट्रिप्रो एनिमल्स होते हैं ये सिलोमेट्स होते हैं और इनकी जो स्मिट्री होती है ये बायलेट्रियल स्मिट्री शो करते हैं ये ग्रेट बाइलेट्रिया से बिलोंग करते हैं इस वजह से ये सिमिट्री शो करते हैं जो एनोविडा होते हैं इनमें ट्रू ट्रोसिलोम प्रेजेंट होती है हैव ट्रू एनोविडाव देन इनके सेगमेंटेड बॉडी की बात कर लें तो इसमें सेगमेंटेड इनमें एनोविडा में जो बॉडी होती है वो मेटामेरिकल सेगमेंटेड होती है ये यूएचएस ने अपने क्वेश्चन में पूछा था कि एनोविडा की बॉडी होती है मैटामेरिकल सेगमेंटेड देन इनके लोकोमोटिव ऑर्गन की बात कर लें तो दी तो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन आर टाइटेनियस चीट या सीट 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 होती है इनमें देन बात कर लेते हैं इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मोस्ट ऑफ द एनिविट्स आर हेमापोडिट बोथ ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल देन रिजेनरेशन की बात कर रहे हैं तो रीजनरेशन इज कॉमन इन एनालिट्स फाइलम एनाविडा में जो रिजेनरेशन का प्रोसेस होता है वो कॉमन होता है देन इनके रेस्पिरेटरी सेंटर या सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एबसेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें एबसेंट होती है एक्सक्शन इनके एक्सक्री exc ऑर्गन या एक्सक्शन की बात करते हैं तो इनमें एक्सक्शन टेक प्लेस बाई इनमें प्रेजेंट होते हैं इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन एनिलीडा इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूएचएस ने अपने क्वेश्चन में पूछा था और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक का जो लाइन है मोस्ट इंपोर्टेंट जो लाइन है वो है द फर्स्ट ग्रुप ऑफ हैव अ इनवर्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम इनके एनलिडा फर्स्ट ग्रुप है इनवर्टिब्रेट का जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है देन हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं पीछे हमने पाया कि इनमें विप्रोडक्ट ये ये हेमापोड होते हैं ये रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल होती है ये सेक्शुअल नहीं होती इनमें इनमें सेक्सुअल होती है फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होती है यानी कि ये पानी में स्पर्म और एग स्विम तो करते हैं एंड फेस स्विमिंग इनमें होती है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड फेस स्विमिंग देन फाइलम एनोविडा की एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें तीन एग्जाम्पल आती है अर्थ फर्म्स निवेश एंड लीच ये आगे जाके हम बात करेंगे कि ये तीनों एग्जाम्पल कौन कौन सी फ़ाइलम एनोविडा की कौन कौन सी क्लासेस में आती हैं देन हम इनकी क्लासेस फ़ाइलम एनोविडा की क्लासेस डिस्कस ये क्लास का भी क्वेश्चन आया हुआ था हाउ मेनी क्लासेस ऑफ एनोविडा तो इसकी तीन क्लासेस हैं क्लास पॉलीचीट क्लास ओलिगो चीट एंड क्लास हिडीनिया सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास को स्टडी करते हैं क्लास पोलिचिट दे हैव डिस्टिंक्ट हेड डिविजन विद आईस स्ट्रक्चर कोल्ड कोल्ड पेल्पस एंड टेंटिकल्स सेक्सेस की बात करें तो इनमें सेक्सेस आर सेपरेट सेक्सेस सेपरेट होते हैं इनमें लोकोमोशन बाय पेरापोडिया इनमें लोकोमोशन पैरापोडिया के थ्रू होती है ये पीएमसी ने अपने क्वेश्चन में पूछा था कि लोकोमोशन बाय पैरापोडिया क्लास पोलिचीट में होती है एग्जाम्पल निवेजिस या चैटोपेट्रस इनमें होती है ये एक यू ने अपने क्वेश्चन में पूछा था इसमें इसकी चेटो चेटोपेट्रस बिलोंग टू क्लास पॉलीचीट देन हम इसके नेक्स्ट क्लास को डिस्कस कर लेते हैं क्लास ओलिगो चीट इसमें हेड विजन इज नॉट प्रोमिनेंट इसमें हेड विजन प्रोमिनेंट या डिस्टिंक्ट नहीं होती ये मोस्टली हर्मापोडिएट्स होते हैं बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट इन वन सेम इंडिविजुअल लोकोमोशन बाय सीट देन इसकी एग्जाम्पल की बात कर लें एग्जाम्पल्सकी तीन है लुम्बिकस्टेविस्ट्रीज फेरिटीमा पोस्थ्यूमा एंड अर्थवंस अर्थवंस एग्जाम्पल है क्लास पोलिच की ये यूएसएस ने अपने क्वेश्चन में पूछा था और फेरिटीमा पोस्थ्यूमा Posth, ये पीएमसी ने अपने क्वेश्चन में पूछा है देन हम इसकी तीसरी और लास्ट क्लास इसकी फाइल एन एलिडा की डिस्कस कर ले तो क्लास ह्यूडीनिया इसमें नो डिस्टिंक्ट हेड प्रेजेंट हेड नो डिस्टिंक या प्रोमिनेंट हेड प्रेजेंट नहीं होता तो यही सेम क्लास ओलिगो चीट में प्रेजेंट होता है नहीं प्रेजेंट होता क्लास पोलिचीट में प्रेजेंट होता है देन ये भी क्लास ओलिगो चीट की तरह हेमाबोडिट्स होते हैं लेकिन इनमें नो लोकोमोटिव ऑर्गन इनमें लोकोमोटिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते इनमें लोकोमोटिव ऑर्गन्स नो लोकोमोटिव ऑर्गन इनमें प्रेजेंट नहीं होते इनमें खास किस्म की एंटी क्वार सिक्वेन्स होती हैं क्लास ह्यूडीनिया में ये भी एमसीक्यूज आ सकता है 2023 के एमडी डी के एंटी क्वार सिक्वे इज इन क्लास ह्यूडीनिया में सर्कुलर विंग्स कॉल्ड एन्यूलाए प्रेजेंट इन क्लास हेडीनिया देन इसके एग्जाम्पल की बात करें ह्यूडो मेडिसिनरिस जिसको हम मेडिकल लीच भी कहते हैं लीच मेडिकल लीच इसका साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है ये इसका यूएचएस में ये इसका साइंटिफिक नेम पूछा हुआ है तो आज के हमारे लेक्चर से क्लास या फाइलम एनिविडा से बस इतना ही फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट फाइलम में आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा इनशाला आपका एमडी कैट का, का, का स्कोर बहुत ही अच्छा आएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनको फाइलम या किंगडम एनिमिलिया पढ़ते हुए दुशारी फील होती है तो खुश रहें खुश रहने दें अल्लाह हाफिज